तो दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। अब आप सभी को पता है कि इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद फिजिकल टेस्ट लिए जाएंगे और फिजिकल टेस्ट होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। तो सीएसबीसी आयोग के द्वारा आगे की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि आगे की प्रक्रिया कब और किस तरह से होने वाली है। इस वीडियो में आप सभी को इसी के रिलेटेड जानकारी देने वाले, इसलिए आप सभी वीडियो को पूरा अवश्य किया। तो चलिए आज का अपडेट स्टार्ट करते हैं। सीएसबीसी आयोग के द्वारा बिहार पुलिस कांस्टेबल के आगे की प्रक्रिया के बारे में क्या कहा गया है, इसके बारे में जानकारी आज के न्यूज़पेपर में दी गई है। आज के न्यूज़पेपर में कहा गया है कि पुलिस जवानों के 21,391 पदों पर फिजिकल टेस्ट के लिए 1,07,000 का रिजल्ट निकलेगा। लिखित परीक्षा मेगा सूची का आधार नहीं होगी, 2 माह में आएगा परिणाम। इसमें आप सभी देख सकते हैं कि कहा गया है कि पुरुषों के लिए 160 से 165 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी जरूरी। पुरुषों की ऊंचाई कोटी के हिसाब से 160 से 165 सेंटीमीटर, जबकि सभी महिलाओं की 155 सेंटीमीटर होनी जरूरी है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीने की माप बिना फुलाए 79 से 81 सेंटीमीटर, जबकि फुलाकर 84 से 86 सेंटीमीटर होनी जरूरी है। ये कैटेगरी वाइज अलग अलग रहता है। उसके बाद कहा गया है कि सभी महिलाओं का न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना जरूरी है। उसके बाद आप सभी देख सकते हैं कि कहा गया कि 3 तरह के फिजिकल टेस्ट अभ्यर्थियों को देने होंगे, जिसमें दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक है। आगे देख सकते हैं कि कहा गया कि बिहार पुलिस में 21,391 जवानों की बहाली होनी है। इसकी लिखित परीक्षा 28 अगस्त को ही समाप्त हो गई है। केंद्रीय चयनपर्षद अब लिखित परीक्षा के आधार पर फिजिकल टेस्ट के लिए परिणाम 2 माह में निकाल देगा। यानी कि कहा गया कि 2 महीने में बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आप सभी को, रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो 2 महीने की बात करें तो अक्टूबर के लास्ट तक आप सभी को बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इसके अनुसार अक्टूबर के लास्ट तक आप सभी को बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। उसके बाद आप सभी देख सकते हैं कि कहा गया है कि जितने पद है उसका 5 गुना यानी कि करीब 1,07,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट निकाला जाएगा। ये सभी फिजिकल टेस्ट यानी कि शारीरिक जांच परीक्षा में शामिल होंगे। इस चरण में 3 तरह के फिजिकल टेस्ट अभ्यर्थियों को देने होंगे, जिसमें दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक है। इन तीनों में प्राप्त नंबर पर मेगा सूची बनेगी। अभ्यर्थियों की ऊंचाई सीमा और वजन के लिए कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिया जाएगा। केंद्रीय चयनपर्षद सिपाही भर्ती ने कहा कि लिखित परीक्षा मेगा सूची का आधार नहीं होगी, यानी कि रिटर्न टेस्ट में लाए गए नंबर के अनुसार आप सभी का मेरिट नहीं बनने वाला है। फिजिकल टेस्ट में लाए गए नंबर के अनुसार ही आप सभी का मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद कहा कि यह सिर्फ शारीरिक दक्षता अथवा जांच माप परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगी। लिखित परीक्षा में मिनिमम 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। उसके बाद कहें कि 50 नंबर की होगी दौड़। शारीरिक परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी, जिसमें सबसे अधिक 50 नंबर दौड़ के लिए है। 25-25 ऊंची कूद और गोला फेंक पर है। पुरुषों को 5 मिनट के अंदर 1600 मीटर की ऊंची 1600 मीटर की दूरी, जबकि महिलाओं को 4 मिनट के अंदर 1000 मीटर की दूरी यानी 1 किलोमीटर की दूरी तय करने पर 50 नंबर मिलेंगे। पुरुषों को 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट, जबकि महिलाओं को 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 12 फीट तक फेंकना होगा। इसी तरह पुरुषों को कम से कम 4 फीट, जबकि महिलाओं को 3 फीट की ऊंची कूद करनी होगी। अगर गोला और कूद में इस मानक को पूरा नहीं कर सकेंगे तो उनका अंतिम रूप से चयन नहीं होगा। आप सभी ने देखा कि यहाँ रिजल्ट और फिजिकल के बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि रिजल्ट कब तक जारी किए जाएंगे और फिजिकल में कौन कौन से प्रोसेस होने वाले हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। रिजल्ट के बारे में कहा गया है कि 2 माह में रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। यानी कि देखें तो
अक्टूबर के लास्ट तक आप सभी को बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। वहीं फिजिकल की बात करें तो फिजिकल नवंबर के लास्ट में शुरू हो सकते हैं। फिजिकल के लिए कम से कम एक महीने का समय आप सभी को ज़रूर मिलने वाला है, तो नवंबर के लास्ट में बिहार पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल शुरू हो सकते हैं। वैकेंसी के 5 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन इस बार फिजिकल टेस्ट के लिए होने वाला है, यानी कि 1,07,000 के आसपास कैंडिडेट का सिलेक्शन फिजिकल टेस्ट के लिए होगा। तो रिजल्ट आप सभी को 2 महीने तक में देखने को मिल जाएगा। वहीं फिजिकल नवंबर के लास्ट में शुरू होने की उम्मीद है। तो चलिए आज के अपडेट समाप्त करते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के रिलेटेड। जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए आज के अपडेट समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।